इंदौर में 15 अगस्त की तैयारी को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए भी पुलिस ने अपनी पूरी तरह से व्यवस्था कर ली है। प्रशासन की दी गई गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसके चलते इस बार 15 अगस्त पर समस्त जगह होने वाले झंडा वंदन में मुख्यतः 5 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इंदौर में कोरोना काल लगातार जारी है, वहीं 15 अगस्त पर होने वाले आयोजन प्रशासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित किए गए हैं। वहीं शासकीय कार्यालयों में होने वाला झंडा वंदन में सिर्फ 5 लोग ही शामिल हो पाएंगे। पुलिस विभाग का भी झंडा वंदन 5 लोगों के बीच में ही होगा। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि कोरोना को देखते हुए सभी विभागों में इस तरह के आदेश आए हुए हैं, जिसके चलते इस तरह के आयोजन को पूर्णतः वर्जित किया गया है। हर साल की तरह होने वाली परेड व रंगारंग कार्यक्रम भी नहीं हो पाएंगे। वहीं ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम का संदेश का वाचन किया जाएगा। इंदौर में 15 अगस्त को देखते हुए पुलिस ने भी शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरह बनी रहे उसके भी इंतजाम किए हैं। इसके चलते पुलिस ने शहर के चप्पे चप्पे पर चेकिंग पॉइंट लगाकर चेकिंग शुरू कर दी है। वहीं डॉग स्क्वाड व बीडीडीएस की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, जो बड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह सघन चेकिंग कर रही है। इन बदली हुई परिस्थितियों में 15 अगस्त का स्वरूप भी थोड़ा सा अलग होगा। निश्चित तौर पर ये हमारे आत्मगौरव सम्मान का पर्व है, इसमें उस स्तर पर किसी तरह की कमी नहीं होगी, उसी तरह का सम्मान आत्मगौरव और उल्लास होगा। लेकिन जहाँ तक इसको मनाए जाने के जो भौतिक स्वरूप है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। इसमें हो सकता है उतना बड़ा जुलूस, उतने बड़े परेड, उस तरह के सांस्कृतिक आयोजन न हो, क्योंकि सांस्कृतिक आयोजन मुख्य तौर पर इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें हमें वर्तमान संक्रमण काल को देखते हुए जो नॉर्म्स हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी जो सूचक हैं, मापदंड हैं, उनका हमें पालन करना होगा। इसलिए उस तरह के आयोजन तो नहीं होंगे। इसमें सभी जो अधिकारी हैं अपने अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन करेंगे, और इसमें यह भी तय किया गया है कि झंडोत्तोलन जो होगा वहाँ पे कम लोग रहेंगे, यानी कि 5 से ज़्यादा लोग एक जगह अचानक इकट्ठे ना हो, एक जो उसकी तय की गई है दूरी उसको पालन करते हुए लगभग 8:30 के पूर्व सभी जगहों पे झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होगा। 8:30 के बाद जो प्रदेश के नाम माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश होगा उसका सभी लोग अवलोकन करेंगे, सभी लोग उसको देखेंगे, और मुख्य तौर पर जो भी ये कार्यक्रम होंगे, झंडोत्तोलन के कार्यक्रम होंगे, सभी कार्यालयों में पूर्ववत होंगे और वहाँ के जो भी इकाई प्रमुख होंगे वो झंडोत्तोलन करेंगे। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, आज भी और कल भी इसे मुख्य तौर पर जो भी संवेदनशील जगह है, जो चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे मुख्य तौर पर हाई कोर्ट हैं, यहाँ के जो इस तरह के संवेदनशील जो भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सभी जगहों पर चेकिंग चल रही है। मुख्य तौर पर डॉग स्क्वाड DFMDCCMD का उपयोग किया जा रहा है, और आगे भी आने वाले दिनों में इस तरह का उपयोग होगा। साथ ही साथ अलग अलग जो सर्चिंग और इस तरह के कुछ पुलिस की एक्स्ट्रा टीम है इसमें। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।